चुई चुई वर्सेस चॉकलेटी चक। आज के एपिसोड में हमारे पास दोनों ही दुनिया के बेहतरीन, तो क्यों ना शुरू किया जाए। ठीक है, शो के मजे लीजिए। ओ कैरी और किटी को किसी चीज पर शक हो रहा है ना? ओ वो यहाँ ट्रीट्स के लिए आई हैं। और क्या कितने स्वादिष्ट मीठे। सही है। वाओ, तुम लड़कियाँ क्या कर रही हो? वो अपनी ट्रीट्स डाल रही हैं। पर किसने? अरे यार, क्या कोई और भी स्क्रीन के अंदर आकर इस खूबसूरत चीज को खाना चाहता है? लड़कियों, क्या कुछ महसूस हो रहा है? क्या चैलेंज का शुरू किया जाए? ओह बेबी, केक केक केक, चॉकलेट एंड गमीज। मैंने ये एक बार कहा है और फिर से कहूंगी, ये दोनों तरह से बढ़िया है। ओ, क्या हुआ केयर? स्क्वीश स्क्वीश, केक समय बिना बर्बाद किए काम पर लगती है। ये केक खुद को नहीं खाने वाला। क्या हुआ? इसमें एक गम पीस कम है। हमें केक को पूरा तो करना ही है। रुको, टेबल के पीछे के पीस से नहीं। ये तुम्हें भी दिख रहा है, और भी खाली जगह है। नहीं, हमें इसे सही करने के लिए और ज्यादा गम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कैरी चैलेंज के लिए तैयार है। ठीक है, उधर किसको तुम तीनों? लगता है हमें अपना केक चोर मिल गया। ओ, जब कैरी वापस लौट के आएगी तो खुश नहीं होगी। अरे यार, ओ कम से कम तुम्हारे पास पहले से चबाई हुई गम की बॉल तो है। सेकंड हैंड अगर कहो तो। कर्मा तो खैर केट जानती है। ट्रीट्स प्लीज। वो एक चिड़िया है। नहीं, हवाई जहाज है। ये चॉकलेट हुबा हुबा गम है। शानदार। और केट के पास भी बढ़िया है, मतलब जरा उनका साइज तो देखो। बहुत ही स्वादिष्ट। ओ हाँ, प्लीज मिस एक बाइट। चॉप, बहुत ही गुई। पर क्या ये बबली भी है? ओ हाँ, ये है। उस बब के साइज को तो देखो। ओ विशाल नाखून, केक पॉप। और अंदर से निकली जादुई क्रिस्टल हैट। वाह, बहुत बढ़िया। कैरी को वो अच्छी लगी। बबल फुलाओ और हर पॉप के साथ इनाम पाओ। बिल्कुल सपने जैसा। डिजाइनर चश्मा, प्लीज बार बार करो। एक आईफोन। ठीक है कैरी, हमें देखना होगा कि आखिर ये मैजिक पॉप है क्या। तुम साथ हो, चलो खोलो। हमें देखना होगा कि ये मैजिक पॉप में आखिर होता क्या है। कुछ स्वादिष्ट। आगे बढ़ो। ड्रॉप, आप पूरी ताकत से फूको। केट, मैं तुम्हारी जगह होती तो हट जाती। अरे यार, खैर चॉकलेट हमेशा बढ़िया होती है, तब नहीं जब वो आपके ऊपर हो। चॉकलेट और गम पॉप। ओह हाँ, अब हमारे पास भी है असला बारूद। चलो खाते हैं। उस गम और चौको अंडे को निगल लो। कैरी, दुखी मत हो, तुम्हारे पास अभी भी तुम्हारी चौक है। ओह वैसे केक का पॉप अभी भी अच्छा लग रहा है। ठीक है ठीक है, लोकेट तुम और आसानी से पॉप करना चाहते हो। मुझे पता है कि चाहते हो। इसका इस्तेमाल करके लॉली को घुमाओ। ओह, इससे काम हो गया। शुक्रिया कैरी। ओह, ये गम नहीं है दोस्तों, ये केट की जीभ है। ओह नहीं, उसकी जीभ लॉली से चिपक गई। इसे हटाओ। हे भगवान, सब ठीक है? सब ठीक क्या? सच में सब ठीक है? ओ तुम दोनों, जब तक केटी अपनी जीभ ऊपर मोड़ती है, कैरी चौको ट्रीट पर लगती है। इससे बढ़िया कुछ नहीं। और इन सब लेयर्स को तो देखो। क्या ये छोटी कैंडीज कैसी है? वो ये सब फिट कैसे होती है? बिंगो, हथौड़े का समय। फोड़ दो। और खैर, ये तो गंभीर था। केट ने अपने कंचे खो दिए।
लड़कियों तैयार, चॉकलेट और बबल गम स्प्रेड, सुनने में अच्छा लग रहा है। देखो कितना बढ़िया, चलो स्कूप ले। ओकेर, क्या तुम आइसक्रीम बना रही हो? मुझे ये आइडियाज अच्छा लगा, पर मुझे लगता है कि इस टब को साफ करने के लिए बड़ा चमचा लगेगा। ओ यार, केट, चलो स्कूप करें। उस रंग को देखो, जितना सुंदर उतना ही चिपकू भी होगा। क्या, हम ये कैसे खा सकते हैं? हाँ, मुझे नहीं लगता कि तुम ये स्कूप दोबारा देखोगी। यहाँ तो जैसे दलदल है। कैरी, पड़ोस में बहुत इमरजेंसी है, पर लगता है कि मिस लेडी अपनी आइसक्रीम सजाने में व्यस्त हैं। और हाँ, ये बढ़िया लग रही है। देखो, ओह नो, फिर मिलेंगे। केटी, नहीं, हाथ नहीं। केटी बहुत चतुर है, वो उसे थोड़ा पिघलाती है और अब चलो दोस्त को बचाए। केट, तुम कहाँ हो? ठीक है, स्वागत है। ओह केट, तैयार? ट्रीट्स, एक ने कहा चोको और कैरी ने कहा प्यार। प्यार क्या? चॉकलेट क्या? शायद हम रहस्य को सुलझा लें। ओह हाँ, प्यार एक स्वादिष्ट गम है, मुझे लगता है कि बिल्कुल सही। और देखो, कैरी को मिला एक राजकुमार, वो सच में खूबसूरत है। केट जल रहे हैं, चलो इसे खोलते हैं। हे, खाओ। चॉकलेट। और देखो, तुम्हें कौन मिला लड़की? ये कोई राजकुमार तो नहीं, ये पक्का है। अरे यार, बेचारी केट। राजकुमार, तुम यहाँ सच में कैरी के लिए आए हो? कमाल है, मुझे प्यार पर वापस विश्वास हो गया है। ओ केट, ये मजे करो। सॉरी दोस्त, मुझे नहीं लगता कि तुम उसके जैसे हो। ओ, मुझे कैंडी दिखी, अच्छी लगी। केट के लिए रेनबो चुई और ये तो ढेर सारी है, और केट के लिए प्याज जैसी दिख रही है। स्वाद चॉकलेट का, शक्ल पे नहीं जाना चाहिए। तुम दोनों मजे करो। कितना फिजी, और पता है क्या, ये है शरारत का समय। एक असली प्याज, चौक का डब। मुझे समझ आ रहा है कि ये कहाँ जा रहा है। पुरानी डुबाओ और बदलो, उसे जगह पर ले आओ। और बिल्कुल केयर ने असली प्याज चुनी। चॉप और ओ, उसे पता है कि इसके पीछे कौन है। हाँ? तुम्हें मजा आने वाला है। बदबूदार सांस चालू, जल्दी बर्फीली सांस से बचाओ। आप ऐसा कुछ और कमी नहीं देखेंगे देवी और सज्जनों। और इसलिए सब करते हैं। तो जम गई है, चौक खाने का समय, मजे करो। गंबॉल मशीन, उसमें से एक में चॉकलेट है। बहुत ही बढ़िया, उसे खा लो। कितना स्वादिष्ट। अब केट, इस छोटी सी प्यारी सी कैंडी को देखो। लड़कियां खुश है, और देखो कैरी क्या कर सकती है। तैयार शैयार। वाओ, बैम, चॉकलेट ताज। ये तुमने बनाया, सच्ची प्रतिभा। केट, अब तुम्हारी बारी, देखो तुम क्या पॉप कर सकती हो। ये गया कुछ नहीं, लगता है कि उसके पास आइडिया है। पहला कदम, विशालकाय बबल। ओह हाँ, दूसरा कदम, बाल। ओह नहीं, मुझे शायद पता है कि ये कहाँ जा रहा है। और बबल्स, कितने सारे रंग। ओह हाँ, अलविदा चॉकलेट राजकुमारी। गल्प,
तुम्हारे पास एक तरफ टिकट है, पता नहीं जहाँ भी हवा ले जाए। अरे यार ठीक है, रुको, हमें पल को कैद करना है। सेल्फी। कैरी के बलून बालों को ढेरों लाइक्स मिल रहे हैं और केट खुश नहीं है। वो गुब्बारे वापस दो। ओ केट, ओ नहीं, लगता है कि कुछ ज्यादा ही हो गया। मिशन रोको। हे भगवान, दुर्घटनावश बबल स्टाइल। बढ़िया। देखने के लिए सभी का शुक्रिया। हम नए एपिसोड्स लाते रहते हैं, तो सब्सक्राइब और घंटी का बटन जरूर दबाएं। फिर मिलेंगे, अलविदा।